एंड नमस्ते, मेरा नाम है शालू एंड आप देख रहे हैं शालू ब्यूटी एंड फैशन। सो अभी आपने देखा होगा कि एक मूवी आ रही है रॉकी एंड रानी, तो उसमें जो आलिया भट्ट को साड़ी पहनाई गई है वो बहुत ही सिंपल सोबर साड़ी स्टाइल की गई है जो भी उनके डिज़ाइनर है। तो मैंने सोचा कि उनसे इंस्पायर होकर मैं कुछ साड़ियाँ डिज़ाइन करती हूँ तो जो आप लोगों को हेल्प करेगी, क्योंकि आलिया भट्ट की इसमें जो साड़ियाँ डिज़ाइन की गई है ना बहुत डिफरेंट पैटर्न में, मीन्स डिफरेंट डिफरेंट फैब्रिक को अटैच करके बनाई गई है, तो जिनको स्विंग एंड स्टिचिंग नहीं आती है उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा। उसमें से ये एक साड़ी है, डेफिनेटली मैं इसको रिक्रिएट करने वाली हूँ। बट उसके पहले जो भी साड़ियाँ मेरे पास ऑलरेडी थी तो मैंने सोचा कि वहाँ से कुछ आपको आइडियाज़ मिलेंगे, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। सो या विदाउट टॉकिंग टू मच लेट्स गेट स्टार्ट। पहली साड़ी अगर आपको आलिया भट्ट, ये देखो इसमें जितनी भी साड़ियाँ आप देखोगे यहाँ पे, इसमें देखो मल्टीपल शेड है। इसमें जो आलिया को साड़ी पहनाई जा रही जिसमें मल्टीपल शेड है, तो आप डिफरेंट फैब्रिक को अगर अटैच करके नहीं बनवा सकते हो तो कुछ इस तरीके की शेडेड साड़ियाँ आप ले सकते हो ऑनलाइन अगर आपको मिलती है, या फिर थान से आप फैब्रिक लेके कटवा के बना सकते हो। जैसे ये मैंने एक साड़ी थान से मैंने अपना फैब्रिक लिया क्योंकि इसका जो शेड था ना बहुत खूबसूरत था, एंड जब से ये पिक्चर आई है ना इसमें आलिया को इतने अच्छे अच्छे साड़ीज पहनाई गई है कि डेफिनेटली आपको मन करेगा उसमें से कुछ अपना क्रिएशन क्रिएट करने का। सो ये देखो इसमें मल्टीपल शेड है लाइक मरून, ऑरेंज एंड बेज कलर का। सो आपको अगर कुछ भी मिलता है सस्ते में तो आप ले सकते हो। ये मैंने थान से फैब्रिक कटवाया एंड फैब्रिक कटवा के बस बहुत आसान होता है। तो कुछ टिप देना चाहती हूँ कि जब भी आप थान से साड़ी बनवाते हो ना, बस तीन सिंपल टिप का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला कि जो फैब्रिक है वो आप बहुत ज़्यादा मोटा भी ना ले एंड बहुत ज़्यादा पतला भी ना ले। जब बहुत ज़्यादा मोटा फैब्रिक होता है उसकी वेट बहुत ज़्यादा हो जाती है जो कैरी करने में बहुत डिफिकल्ट होती है, एंड अगर आप बहुत हल्की साड़ी लेते हो तो वो थोड़ा सा उसमें वॉल्यूम ना होने की वजह से साड़ी मुड़ जाती है नीचे से कुछ टाइम के बाद में। तो ये सबसे पहला टिप था। सेकेंड टिप मैं आपको ये दूंगी कि आपको थोड़ा सा ये डिसाइड करना है कि किस तरह का आपको ओकेजन के लिए आप पार्टी बिन साड़ी जो है कस्टमाइज़ करना चाहते हो, लाइक आप शादी में पहनने के लिए कस्टमाइज़ करना चाहते हो, पूजा के लिए आपको चाहिए, तो इस तरह से फैब्रिक का सिलेक्शन थोड़ा इजी हो जाता है। एंड तीसरा मैं बोलूँगी कि अगर कोई फैब्रिक बहुत महंगा है तो आप हाफ एंड हाफ साड़ी में बनाओ, लाइक पल्ले के लिए आप वो पोर्शन ले लो या फिर ब्लाउज आप बनवा लो एंड प्लेन कपड़े का आप साड़ी बना लो। तो ये सिंपल से तरीके हैं जिसको ध्यान में रख के आप थान से फैब्रिक लेके साड़ी बना सकते हो। जैसे मैं आपको इसमें दिखाती हूँ, ये सिंपल मैंने थान से कपड़ा कटवाया एंड कटवा के साड़ी बनाई, बट मुझे पल्ला थोड़ा सा हेवी चाहिए था तो मैंने ट्रेंड को भी थोड़ा ध्यान रखा, क्योंकि अगर आप ट्रेंड देखोगे ना तो इस तरह की जो पाइप लेस है बहुत बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है लाइक दिस, तो मेरा बजट इतना नहीं था क्योंकि ये लेस जो है हमारे यहाँ 80 रुपीज़ मीटर है, तो अगर मैं पूरी साड़ी में लगवाती तो 800 रुपये मुझे लेस में इन्वेस्ट करने पड़ जाते, जो मुझे नहीं चाहिए था। एंड दूसरा कि मुझे इस साड़ी का जो ब्यूटी है दैट इज सेड, तो मैं उस सेड को ओवरलैप नहीं करना चाहती थी किसी लेस से, तो बस मैंने पल्ले में लेस लगा दिया जिससे मेरी साड़ी थोड़ी सी वॉल्यूमाइज लगे, लाइक पल्ला थोड़ा सा हेवी हो एंड साड़ी की ब्यूटी भी इसी तरह रहे। एंड इसके साथ जो ब्लाउज मैंने पहना है मेरी किसी और साड़ी का है, तो यू डोंट हैव टू इन्वेस्ट ईच एंड एवरी टाइम कि आप साड़ी के साथ में मैचिंग का ब्लाउज बनाओ। व्हाट यू हैव इन योर वार्डरोब आप उसके साथ रिलेट करो, एग्जिस्टिंग क्या है आपके वार्डरोब में उसके साथ मिक्स मैच करो। सो दिस इज माई फर्स्ट साड़ी, बहुत ध्यान दे लिया मैंने, चलो देखते हैं कि पहनने के बाद ये कैसा लगता है। या कपड़ों को यूज़ करके किस तरह से साड़ी बना सकते हो, मैंने जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ ना मेरे चैनल पे बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस हैं, बट आई डोंट नो कि इसकी रीच इतनी क्यों नहीं होती है। बट अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इस वीडियो को मेरा चेकआउट कर सकते हो, तो उसमें मैंने ये साड़ी आप लोगों से शेयर की थी, बट मैंने बोला था कि मैं इसको स्टाइल नहीं कर पाऊंगी क्योंकि अपने सिस्टर को मैं ये गिफ्ट करने वाली हूँ, तो मैं अपनी सिस्टर के घर ही आई हुई यहाँ पे मैं शूट करी, तो मैंने सोचा कि बहुत लोगों ने बोला था कि आप ये साड़ी स्टाइल करके दिखाना।
सो ये साड़ी की अगर मैं बात करूँ, ये इतना सुंदर सा रेड है ना, लुक एट द रेड, मतलब ये रेड खुद में बहुत प्रिटी एंड चिकनकारी का वर्क है इसमें। बट ये बहुत एक्सपेंसिव कपड़ा था, तो मैं पूरी साड़ी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहती थी, तो मैंने पल्ला, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, मैंने पल्ला के लिए ये साड़ी ली। एंड ये हाफ में आप ये देखो, इस तरह से हाफ में मैंने सिंपल जॉर्जेट का फैब्रिक लिया, जो मुझे 50 रुपीज़ मीटर पड़ा था, 3 मीटर मैंने लिया, 150 मेरा जो है, मैं आपको आइडिया के लिए ये चार्जेस बता रही, मेरे यहाँ पे 50 रुपीज़ मीटर है, तो मैंने 3 मीटर लिया 150 का। एंड ये शायद मुझे 300 या फिर 350 रुपये मीटर मिला था, तो इसको मैंने 2.5 मीटर लिया, तो आप कैलकुलेट कर लो कि 300 रुपये मीटर के हिसाब से 2.5 मीटर का कितना हुआ एंड 50 रुपीज़ का कितना हुआ। इस पर एडिशनल मैंने कुछ नहीं किया, घर पे सब कुछ किया है, मतलब जोड़ लगा दिया फॉल पी को, तो आप 800 या 700 में मेरी एक चिकनकारी साड़ी बनके रेडी हो गई है। तो बहुत सारे वेरिएशन, बहुत सारे जुगाड़ है, एंड दिस इज़ पार्ट 1, इसके बाद पार्ट 2 आने वाला है। सो दिस इज़ माई नेक्स्ट साड़ी, एंड इसको मैंने स्टाइल किया है अपने ब्लैक सीक्विन ब्लाउज के साथ, बिकॉज मैं जो ये रेड है ना, इसके साथ रेड को भी कंबाइन करोगे, क्योंकि इस तरह की साड़ियों के साथ आपके पास बहुत स्कोप होता है। अगर मैं इस ब्लू के साथ भी इसको स्टाइल करूँगी, लुक एट द कलर कॉम्बिनेशन, मतलब इतना प्रिटी लग रहा है, बहुत अच्छा लगेगा। ब्लैक एंड रेड एवरग्रीन कलर कॉम्बिनेशन है, ब्लैक एंड वाइट, सॉरी रेड एंड वाइट, तो इस तरह से आप अपने ब्लाउज को भी एक्सचेंज करके ना अपनी साड़ी को एक न्यू लुक दे सकते हो। सो दिस इज़ माई सेकेंड साड़ी। जो है साड़ीज नहीं क्रिएट कर सकते हैं, नो बट दिस इज नॉट एट ऑल ट्रू, क्योंकि साड़ियों का जो आप सिलेक्शन कर रहे हो वो थोड़ा अच्छा लगना चाहिए। लाइक ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने थान में से फैब्रिक काटा एंड आपने साड़ी बना दी, बस वो थोड़ा सा उसको साड़ी मटेरियल आपको सोच समझ के उसको देना पड़ेगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एंड लास्ट साड़ी ऑफ दिस वीडियो इज दिस ब्लू, प्रिटी ब्लू कलर सैटन साड़ी। ये अगेन मैंने थान में से, मीशो पे अगर आप देखोगे ना, मैंने इसी तरह की साड़ियाँ इसमें इंक्लूड की है जो ट्रेंड में है, जो कभी भी आउट ऑफ ट्रेंड नहीं जाएगी एंड जो ट्रेंड में आने वाला है, मतलब सैटन भी एक लॉन्ग टाइम तक अभी ट्रेंड में रहने वाला है। सो दिस इज द ब्लू वन, मतलब ब्लू कलर की, सिंपल है, इसमें कुछ भी मैं आपको दिखा नहीं सकती हूँ, सिंपल मैंने थान से कपड़ा लगवाया, फॉल पिको किया एंड मेरी साड़ी रेडी है। तो इस तरह से आप भी बहुत ही ईजिली घर पे साड़ियाँ क्रिएट कर सकते हो बहुत ही ईजी वे में। सो चलो इसका स्टाइलिंग पार्ट देखते हैं। इन्फॉर्मेटिव लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो। सो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मेरे चैनल पे DIY एंड फैशन रिलेटेड कंटेंट मैं अपलोड करती हूँ। आने के पहले एक ही बात बोलूँगी, प्लीज़ मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप अब मेरी वीडियो को एक शेयर भी करोगे, लाइक करोगे एंड सब्सक्राइब करोगे, इट रियली मीन्स अलॉट फॉर मी। तो मिलती हूँ आपसे और एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, टिल देन बी हेल्दी, बी हैप्पी, टेक केयर एंड बाय बाय, लव यू ऑल।